हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज गौतम। हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। तो इसको ये क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये ध्यान रखना आप। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आप मैथ जब तक पढ़ोगे आपको मिलेंगे ज़रूर, कॉम्पिटिशन में भी आगे आप जब जाओगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और यहाँ से ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहाँ से कैसे इक्वेशंस बनेंगी कैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सबसे इजी मेथड क्या है सॉल्व करने का, वो समझाता हूँ मैं आपको आज। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है, ईजीली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अब देखो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब लीनियर इक्वेशंस तो हमको दी नहीं है कहीं, दैट्स मीन मुझे बनानी पड़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये फ्रॉम नहीं है यहाँ पे, सॉरी फॉर्म था, गलती से मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं, अब वो दो नंबर क्या हैं आपको पता है क्या? नहीं पता ना तो कुछ भी मान सकते हो। कुछ गलत बोला मैंने? इसने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं, अब वो दो नंबर कौन से हैं जिनको मैं अगर एक आपस में माइनस करूं, डिफरेंस बोल रहा है ना, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, माइनस करना। अगर उन दोनों को मैं माइनस करता हूं आपस में तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो दैट्स मीन अब यहाँ पर मुझे नंबर तो पता नहीं है, तो नंबर तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना भाई, सिंपल। अब जैसे मान लो मैंने मान लिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, या फिर m माइनस एन इज इक्वल टू 26, या फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 26, कुछ भी मान सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर कि x और y ही मानो, बट x और y ही मानते हैं मोस्टली, तो इसलिए यहाँ पर हम x और y मान के चलेंगे। अगर आप x और y की जगह कुछ भी और मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसने क्या बोला, दो नंबर है उनका डिफरेंस क्या है, 26 है, तो दैट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x माइनस वाई लिखता हूँ तो यहाँ पर x मेरा ग्रेटर नंबर होगा और y मेरा स्मॉलर नंबर होगा, तभी तो 26 आ रहा पॉजिटिव में आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मतलब हुआ इसका कि लेट द ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर x हो जाएगा, एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, स्मॉलर नंबर वाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यही तो बोला उसने, मैंने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया, आंसर मेरा 26 आ गया। ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन तो चाहिए, हमने अभी क्वेश्चन पूरा तो पढ़ा नहीं है, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर, और एक जो नंबर है वो थ्री टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर क्या है वो थ्री टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3y। अब बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू 3y क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई एक्स में करता तो ये वाई नंबर जो है बड़ा हो जाता है एक्स से, और जबकि यहाँ पर क्या चाहिए, हमको एक्स नंबर बड़ा चाहिए। नहीं समझ में आया, मान लो कि आपका एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता, मैंने क्या करा यहाँ पर 3y, एक्स इज इक्वल टू 3y है ना। ठीक है, तो देखो वाई की जो वैल्यू होगी उसमें मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना, हाँ या ना। y की वैल्यू जो भी होगी नंबर में उसमें मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा ना, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x तो हमें बड़ा चाहिए, तो x बड़ा आ भी रहा है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब देखो इसको अब हमें सॉल्व करना है, सिंपल बस हो गया यहाँ से ख़त्म। तो देखो x की वैल्यू इज इक्वल टू 3y है, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो इसको, तो कर दो x इज इक्वल टू 3y, तो 3y माइनस y हमको पहले से दिया हुआ था इज इक्वल टू 26, तो कितना आ गया यहाँ से 2y
टू वाई आ गया ना, 3y-1y 2y = 26, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 1 2, 2 3 6, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब y की वैल्यू 13 को आप किसी में भी पुट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट में पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। x इज इक्वल टू 3 × 13, तो x इज इक्वल टू 39। खत्म। देखो सब कुछ आपका सेटिस्फाई कर रहा होगा बिल्कुल इसमें। अब इसने क्या बोला था, x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करो, 39 x के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, 39 x के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ये सब आपको करना है रूल है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।